मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। आज सुबह आपके सामने एक छोटे से संदेश के साथ हम आ रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से हम लोग सफर में निकल रहे हैं ताकि हम उत्तर भारत के अलग अलग जगहों में कलीसियाओं को जाकर मिले और उन्हें हौसला दें। सो इसी कारण हमारे नीति वचन का अध्ययन, जो हम लोग 21वें अध्याय तक आए हैं, आने वाले 20 दिनों तक हम आगे को अध्ययन नहीं करेंगे, वरन पिछले दिनों में पहले अध्याय से 20वें अध्याय तक जो हमने अध्ययन किया उसके मुख्य मुख्य वचनों को हम फिर दोबारा इन दिनों में हम सीखेंगे, ताकि आत्मिक तौर पर हम बलवंत हो सकें। सो हमारी यात्राओं के लिए भी आप प्रार्थना करते रहें। हम वापस आते ही हम लोग का अध्ययन जहां हमने रोका है नीति वचन 21वें अध्याय में, हम उसे आगे जारी रखेंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन पहला अध्याय उसका 10वां वचन हम पढ़े। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि पापियों के फुसलाने से अपने आप को बचाए रखना। कई बार हम ये शब्द पापी, इसका अर्थ सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं, और हम सोचते हैं कि जिस किसी ने यीशु पर विश्वास नहीं किया केवल वही सब पापी हैं। लेकिन हमने परमेश्वर के वचन को, उस अर्थ को समझना है जिस अर्थ से प्रभु का वचन ये शब्द इस्तेमाल करता है। प्रभु का वचन साफ कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। आदम के जितने भी संतान इस पृथ्वी में हैं, वो सर्वशक्तिमान या पवित्र परमेश्वर के सामने नजरों में पापी हैं। केवल एक ही उन सबसे भिन्न है, और वो कोई और नहीं वरन मनुष्य यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा के द्वारा, कुमारी मरियम के द्वारा इस संसार में आए। सो परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह को वो पवित्र जन कर कहता है। पुराने नियम में अब्राहम के संतान को चुना हुआ वंश या कौम कहा जाता है, और बाद में उन्हें इसराइल के संतान कर कहा गया। ये ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि दुनिया में लोगों को दो झुंड में बांटने के लिए, एक जिन्होंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी है, और दूसरे जिन्होंने परमेश्वर के साथ, जिनका कोई संबंध नहीं है और अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उन्हें अन्य जाति कहा जाता है। जब चुने हुए कौम, चुना हुआ वंश परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और उनके परमेश्वर के रास्तों में चला तो वो आशीषित कहलाए। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, बलवा किया, परमेश्वर ने उन्हें सजा भी दी और कई अवसरों पर अलग अलग तरीके से उन्हें सही मार्ग में लाने का प्रयास भी किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधा है। लेकिन जब उद्धारकर्ता स्वयं इस पृथ्वी में आकर अपना कीमत क्रूस के ऊपर दिए और अब अपनी कलीसिया को बना रहे हैं, सो दुनिया के लोगों को, जितने भी है, सबको दो झुंड में बांट सकते हैं। एक जो प्रभु, जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया है, सृष्टिकर्ता की इच्छा के अनुसार चलते हैं, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, और दूसरे जो अपनी मोह और इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं और जो पाप के गुलाम हैं, जिनके ऊपर पाप का पूरा नियंत्रण है, उनको पापी कहा जाता है। सो जो कोई यीशु का नाम लेता है और पाप में चलता है, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलता है, वो भी परमेश्वर के नजर में पापी ही कहलाता है। इधर सुलेमान अपने लोगों को सलाह देता है, अपने लोग बोलने वक्त, जो चुना हुआ कौम कहलाते हैं, कि पापियों के फुसलाने में ना फंसना, उनसे बचकर रहना, यानी वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते। और अब हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, जिन्होंने परमेश्वर के उस उद्धार के धन्य अनुभव को चखा है, हमें इस बात को कितने गंभीरता से लेना है जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है। शैतान की युक्ति
यही रहती है कि पाप को लोगों के सामने दिखाकर उन्हें फुसलाता है। और शैतान का स्वभाव पवित्र परमेश्वर के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। पवित्र परमेश्वर ना ही उस पर विश्वास करने वाले लोग कभी लोगों को फुसलाते हैं, चलाकी में उन्हें फंसाने का कोशिश करते हैं, ना ही झूठा वायदा देते हैं, ना धोखा देते हैं। लेकिन शैतान अपने लोगों को इसी तौर तरीके से फुसलाता है और गुमराह करता है, अपने असली रंग को छुपाए रखता है और लोगों के सामने आकर्षक बातें दिखाकर प्रोत्साहित करता है, तात्कालिक खुशी देते हुए। नए नए तौर तरीके लोग अपनाते हैं ताकि पाप में मजा ले सके, लोगों को और आकर्षित करें। थोड़ी देर का मजा अनंत काल के नरक में पहुंचाता है। इसलिए आज हम देखते हैं पापियों की संख्या कितनी बढ़ रही है। वो पाप को हल्का लेते हैं और दूसरों को भी कहते हैं, इतना गंभीर मत बनिए, जीवन का आनंद लीजिए। वो सोचते हैं कि ये जिंदगी आनंद मनाने के लिए है और ऐश करने के लिए, और उसके लिए अपनी अभिलाषाओं के पीछे वो मरते हैं। उनका सोच है, अगर जिंदगी का मजा लेना है तो पाप को पाप कर नहीं देखना है। लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा करता है और उसके मार्ग में चलता है, वो इस पृथ्वी में सबसे धन्य है। वो अपने जीवन का आनंद को सही तरीके से ले पाता है। जीवन में चाहे कैसा भी अनुभव आ जाए, बीमारी हो, खुशी हो, तूफान हो, परीक्षाएं हो, खुशी का समय हो, हर समय वो परमेश्वर के उस आनंद को अनुभव करता है। वो केवल इसी पृथ्वी में आनंद अनुभव नहीं, आने वाले अनंत काल में भी अनुभव करेगा। पापियों को तो सिर्फ इधर के तात्कालिक जीवन से ही मतलब है, लेकिन एक विश्वासी जिसने परमेश्वर पर भरोसा किया है, उसे मालूम है इस संसार का जीवन थोड़ी देर का है, इधर की अभिलाषाएं थोड़ी देर का है, इधर की खुशियां तात्कालिक है। हम एक अनंत काल के निवास में पहुंचेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। सो, अगर पाप की गंभीरता समझना है तो एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ का नजदीकी संबंध बनाए रखना है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति पाप का आनंद लेने लगे तो उससे छुटकारा पाना फिर बहुत मुश्किल है। हमें जयवंत होना है। शैतान और संसार पूरा प्रयास करेगा हमें फुसलाने के लिए। सो आइए हम प्रभु पर भरोसा करें और अनदेखी विषयों की, अनदेखी बातों की चाह रखें। उसके लिए प्रभु पर विश्वास होना जरूरी है। अब्राहम और लूत को जरा देखें। अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा किया और उस स्थिर नेव वाली शहर को देखते हुए तंबुओं में वास करता रहा, लेकिन बिल्कुल विपरीत लूत और उसका परिवार सोदोम गोमोरा में गए और उधर के तात्कालिक खुशियों में अपना जीवन बिताया और अंत उनका कैसे हुआ, पाप में बर्बाद हुए। सो, पापियों की संगति से हमने बचकर रहना। उसका मतलब, जो लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो भी लेकिन संसारिक तौर तरीके से चलते हैं, हमें उनसे भी बचकर रहना। कई लोग अपने प्रचार के द्वारा हमें फुसलाएंगे, संसार की ओर खींच कर ले जाएंगे, हमें उनसे बचकर रहना है। आइए हम प्रभु के साथ चिपके रहें, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे ताकि परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन बिताकर अनंत काल के वारिस हो सके। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु आपने हमारे सामने स्पष्ट वचन रखा है। प्रभु शैतान जब अलग अलग तौर तरीके लेकर हमें फुसलाने का प्रयास कर रहा है इन दिनों में, जागते हुए रहते हुए आपके और अपना ध्यान लगाए हुए आपके वचन के अनुसार चलने के लिए, आपकी अगुवाई के अनुसार चलने के लिए हमें मदद कर। अपनी इच्छाओं के लिए नहीं वरन आपकी इच्छा के लिए जीने के लिए हमें मदद कर। आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे अजीजों, हमारे प्रभु का आगमन जब नजदीक है, आइए इन दिनों में अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के लिए ना जिए, लेकिन अपने प्रभु के इच्छाओं के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हम जिए। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। प्रभु हम सबको आशीषित करें। मारा ना था।